Hello friends, welcome to Study for Civil Services. Today is 6th of February 2019. And friends, current affairs ka ye all-in-one video hai. Yahan par hum log kaafi sare newspaper jaise ki The Hindu, PIB, Indian Express, Times of India jaise kai sare newspaper ke current affairs ko discuss karte hain. Aur na hi sirf current affairs guys, ek hi video ke andar hum log editorials ko bhi discuss karte hain aur video ke end mein kuch multiple choice questions ki bhi practice karte hain. Friends, agar aap kisi bhi government examination ki taiyari kar rahe hain तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज यहां पर सिर्फ वही न्यूज डिस्कस की जाती है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होती है. ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को हमारे पेड ग्रुप के बारे में बता देता हूं. यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और काफी सारे स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए हमारे पेड ग्रुप अवेलेबल है, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं. गाइज, हमारे कई सारे ऑप्शनल कोर्सेज भी हैं और इन पर्टिकुलर कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम के जरिए. हमारे पेड ग्रुप में हम लोग आपको कई सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है, वॉइस मैसेजेस के थ्रू आपकी क्वेरी सॉल्व की जाती है, आपको पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है और समय समय पर स्ट्रैटेजी शेयर की जाती है कि किस प्रकार से एग्जामिनेशन को क्रैक करना है. एंड गाइस, काफी लिमिटेड बैच होता है हमारा, तो जल्दी जल्दी इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपनी सीट जो है वो बुक कर लीजिए. एंड जो भी आप वीडियो देख रहे हैं करंट अफेयर्स का ऑल इन वन वीडियो, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ भी हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में प्रोवाइड कराते हैं, बट वो सिर्फ हमारे पेड ग्रुप मेंबर्स के लिए ही अवेलेबल है. दोस्तों, सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर्स की न्यूज को डिस्कस करेंगे और एडिटोरियल्स, और उसके बाद फिर एंड में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. एंड गाइस, पहले से डिस्क्लेमर बता देता हूं, अभी मेरा थोड़ा सा गला ठीक नहीं है, जैसे कि कल के ट्यूटोरियल में भी मैंने आपको बताया था कि पता नहीं क्यों गले में कुछ इन्फेक्शन हो गया है, तो अभी तक वो सही नहीं हुआ है. तो जिस प्रकार से जैसे कि मैं आप लोग के लिए ये ट्यूटोरियल लेकर आ रहा हूँ तबियत खराब होने के बावजूद भी, तो उसी प्रकार से हम लोग को अपनी प्रिपरेशन में भी कभी कमी नहीं करनी है, बिकॉज एग्जामिनेशन को क्रैक करना ही हमारा इकलौता गोल होना चाहिए सभी का, राइट? कि एग्जामिनेशन क्रैक करना है, भले कितनी भी इतने बीमार ना पड़ जाओ, जब तक मत पड़ना, यानी कि इतने बीमार पड़ जाओ कि यार उठते ही नहीं बन रहा बिल्कुल, तब एक चीज कंसिडर करी जा सकती है. बट जितनी जान हो तब तक हम लोग को पढ़ाई करते रहना है, बिकॉज अल्टीमेट गोल इज कि फाइनल लिस्ट में हमारा नाम आना चाहिए, राइट? तो समय वेस्ट नहीं करते हैं, फटाक से अब ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं. दोस्तों, पहली न्यूज में हम लोग बात करेंगे नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में, पीएलएफएस के बारे में. तो गाइस, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हम लोग को 2017 और 18 का देखने को मिल रहा है. गाइस, इस सर्वे को कलेक्ट किया है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा जुलाई 2017 और जून 2018 के बीच में. गाइस, ये पहला ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट सर्वे हम लोग को डिमोनेटाइजेशन के बाद अब देखने को मिल रहा है. सर्वे की बात करें तो काफी निराशाजनक बात हम लोग को यहां पर देखने को मिल रही है. बताया जा रहा है कि पिछले 45 सालों के बाद इस साल 2017 और 18 में इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रही है, 6.1% हम लोग को देखने को मिल रही है. मीनिंग कि इंडिया के अंदर काफी सारे सिटीजन्स हैं वो जॉबलेस हैं, भारी मात्रा में बेरोजगार हैं, उनको जॉब नहीं मिल पा रही है. इंडिया उसके सिटीजन्स को जॉब नहीं प्रोवाइड करा पा रहा है, ये हम लोग को यहां पर इस पर्टिकुलर डेटा के थ्रू देखने को मिल रहा है. दोस्तों, 1972 और 73 के बाद अब जाकर 45 सालों के बाद इतनी भारी मात्रा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है. गाइस, हमारी कंट्री जो है वो इतनी भारी मात्रा में एक्सपेंड हो रही है, इतना अच्छा ग्रोथ कर रही है, इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है इकोनॉमिकली वाइज, बट हमारे यहां हम लोग सिटीजन्स को जॉब ऑफर्स नहीं कर पा रहे हैं, सिटीजन्स के पास जॉब नहीं मिल पा रही है. तो गाइस, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीजें आप लोग को यूज करना है जो मैंने अभी आपको बताया. सेकेंडली, एक और चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, जैसे कि गाइस, अगर कोई कंट्री, मतलब फ्यूचर की अगर बात करें, एनालिसिस करें कि अगर कोई कंट्री अपने सिटीजन्स को जॉब ऑफर नहीं कर पाएगी तो उनके सिटीजन्स जो है गाइस वो प्रोडक्टिव नहीं बचेंगे, उन लोग इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि क्रिमिनल एक्टिविटीज में चोरियां करेंगे, डाका डालेंगे, कुछ पैसे कमाने के लिए कुछ उल्टी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि जॉब इंडिया के अंदर नहीं मिल पा रही ऑफिशियल जॉब. तो लोगों को अपने लाइवलीहुड को तो अर्न करना ही है, मेंटेन करना ही है, अर्निंग चाहिए लोगों को जीने के लिए, तो इसके लिए वो गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं. तो गाइस, ये चीज पहले भी कई सारी कंट्रीज में देखी गई है और इंडिया इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए गाइस आज की डेट में नई नई स्कीम्स के थ्रू जॉब ऑफर कर रहा है. बट इस डेटा के थ्रू ये चीज सामने आ रही है कि इस चीज को टॉप प्रायोरिटी में रखते हुए जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए ही चाहिए. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है गाइस जो कि आप मेंस एग्जामिनेशन में लिखेंगे. मैं छोटी सी बात आप लोग को ये बताना चाहता हूं गाइस कि मेरे पास अभी कल ही के ट्यूटोरियल में नीचे कमेंट बॉक्स पर एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने लिखा हुआ था कि सर थोड़ा शॉर्ट और सिंपल में जल्दी जल्दी करवा दिया करें लेक्चर्स को. तो गाइस देखिए, शॉर्टकट जो है वो, जैसे कि अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज और यूपीएससी की अगर आप बात करें तो आप शॉर्टकट प्लीज मत मारिया करें, बिकॉज
आज की रेट में पैटर्न जो है वो एग्जामिनेशन का काफ़ी चेंज हो गया है. आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स में कई कई सारी चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे. सेकेंडली मेंस ऑब्वियसली बात है कि आप कोई भी एग्जामिनेशन देंगे तो आप मेंस में सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन तो देना ही है आपको, राइट. मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बैंकिंग और एसएससी वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट यूपीएससी स्टेट सिविल सर्विसेज की बात करें तो आप लोग को देना ही एग्जामिनेशन है ना, मेंस में आंसर राइटिंग करनी है. तो आंसर राइटिंग में आपको जितने बेहतर फैक्ट्स और जितने बेहतर चीज़ें आप लोग को अच्छी एनालिसिस मिलेंगी तब जाकर आप अपने आंसर को काफ़ी अच्छा लिख पाएंगे. तो हमेशा कोशिश किया करें कि भले ही आप चाहें तो 2x की स्पीड में इस वीडियो को देख लें या फिर 1.5x अपने हिसाब से इस वीडियो को देखा करें. या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग को कुछ चीज़ें पता है ऑलरेडी, जैसे कि कई बार मैं आप लोग को स्टैटिक पोर्शन भी यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपको अगर वो स्टैटिक पोर्शन क्लियर है अच्छे से उसका कंसेप्ट तो बढ़ा दो आगे फटाक से, दूसरी स्लाइड में चले जाओ. क्यों रुकना, अपनी कॉस्ट कटिंग करो. बट हाँ, शॉर्टकट के चक्कर में अपना इंपॉर्टेंट चीज़ें को स्किप मत करो. कई सारे लोगों को मैंने देखा है जो शॉर्टकट मारते हुए इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर जाते हैं, उसका फिर एग्जामिनेशन में देखते हैं कि अरे ये तो आता ही नहीं हमें, तो ऐसा नहीं करना है. सुन लो एक बार, सुनने में क्या जा रहा है, 2x की स्पीड में सुन लो, राइट. तो सॉरी अबाउट इट कि थोड़ा सा टाइम आपका वेस्ट किया. अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में. अच्छा, बिफोर दैट गाइस, एक और इसमें फैक्ट हम लोग को देखने को ये मिल रहा है कि अर्बन एरियाज़ में 7.8% लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड है और रूरल एरियाज़ में 5.3% लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड है, जॉबलेस हम लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. तो काफ़ी टेंशन वाली चीज़ हम लोग को यहाँ पर इस रिपोर्ट के थ्रू देखने को मिल रही है. दोस्तों, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली न्यूज़ काम की हम लोग को देखने को मिल रही है. इंडियन नेवी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच में एक 700 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हम लोग को देखने को मिला है, जिसके थ्रू दोस्तों नेवल एयरफील्ड इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है. फ्रेंड्स, पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बाद जो नेवल सिक्योरिटी सिस्टम है उसको अपग्रेड करने की आवश्यकता यहाँ पर दिखाई दी, जिसके थ्रू अब हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो नेवल एयरफील्ड इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम को जो अपग्रेड किया जा रहा है, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हम लोग को एंटी क्लाइंबिंग फेंस, ड्रेन डिटेक्शन इंट्रूजन सिस्टम, सीसीटीवी नेटवर्क, अंडर व्हीकल सर्विलेंस देखने को मिलेगी. तो कुल मिलाकर ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो नेवल एयरफील्ड इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम है वो इंडियन नेवी को दोस्तों स्ट्रेंथन करेगी. यहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अपग्रेडेशन जो है वो हम लोग को देखने को मिलेगा और अपग्रेडेशन किया जा रहा है BEL के द्वारा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा. हाई टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड ये सिक्योरिटी सिस्टम हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो याद रखिएगा. दोस्तों, इस न्यूज़ की बात करें तो USA में कई सारे इंडियन सिटीजन्स जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया है, इनके खिलाफ स्टूडेंट वीज़ा फ्रॉड का चार्ज लगाया गया है. डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के द्वारा यहाँ पर भारी मात्रा में स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया है. बोला जा रहा है करीब 100 स्टूडेंट्स अरेस्ट हो चुके हैं और 600 स्टूडेंट्स के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है. तो गाइज, यहाँ पर बोला जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द जो इंडियन ओरिजिन के पीपल हैं या इंडियन सिटीजन हैं वो मेजॉरिटी में तेलुगु ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, तेलुगु साइड के हम लोग को देखने को मिल रहे हैं. तो जस्ट फॉर द जनरल अंडरस्टैंडिंग यू शुड नो अबाउट दिस न्यूज़ गाइज. हालांकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए इस न्यूज़ के बारे में भी कि क्या चल रहा है, हमारे जो इंडियन ओरिजिन है जो दूसरे स्टेट्स में है, दूसरी कंट्रीज में है, उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है या फिर क्या चल रहा है. तो जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए. इंटरव्यू वगैरह में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आपकी अवेयरनेस के तौर पर आपसे पूछ सकते हैं. तो इस न्यूज़ की बात करें तो प्रीलिम्स में ध्यान रखिएगा कि नेशनल ग्रिड जो है उसमें लद्दाख को जो है गाइस कनेक्ट कर दिया गया है. तो अब जो हम लोग को लाइन देखने को मिल रही है, ट्रांसमिशन लाइन, वो है 220 किलोवोल्ट श्रीनगर ऑलस्टेंग ड्रास कारगिल लह ट्रांसमिशन लाइन, जिसको अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा डेडिकेट किया गया है नेशन को. गाइस, ये जो प्रोजेक्ट है इसको कंप्लीट किया है पावर ग्रिड ने, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, जो कि एक नवरत्न कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है. गाइस, इससे लद्दाख को क्या बेनिफिट मिलेगा, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि लद्दाख में टूरिज्म सेक्टर में ग्रोथ हम लोग को देखने को मिलेगी, यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एनहेंस होगा. क्योंकि मेजर चीज़ नेशनल ग्रिड के थ्रू हम लोग को ये देखने को मिलेगी कि जो डीजल का कंजम्पशन है वो काफ़ी कम हो जाएगा, काफ़ी मिनिमाइज हो जाएगा, जिसके थ्रू यहाँ पर एनवायरमेंट को बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकेगा, लद्दाख रीजन जो है उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, राइट. तो ये वाली चीज़ आप लोग को पता होना ज़रूरी है. तो अल्टीमेटली एनवायरमेंट के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दोस्तों ये प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है. तो याद रखिएगा नेशनल ग्रिड के बारे में और ये इस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन के बारे में. दोस्तों, अगले टॉपिक में जाने से पहले हम लोग समझेंगे कि नेशनल ग्रिड जो है वो क्या है. तो
तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज तो अपने माइंड में ये क्लियर कर लो कि जो पावर ग्रिड जो है, जिसको हम लोग पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, जो कि एक नवरत्न कंपनी है, तो गाइज ये जो कंपनी है इसी के द्वारा नेशनल ग्रिड को ऑपरेट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, और इसी के द्वारा नेशनल ग्रिड जो है वो खरीदी हुई है, ओन्ड है। अब नेशनल ग्रिड कैसे परफॉर्म करती है, तो इसको बहुत सिंपल तरीके से समझो। इधर सपोज करो कि ये गुजरात है, और चलो लद्दाख का एग्जांपल लेते हैं, और लद्दाख ही हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो बहुत है, है ना। अब दोस्तों लद्दाख जो है, यहाँ का जो पावर स्टेशन है वो इतना एनरिच नहीं है, इतनी उसकी कैपेसिटी नहीं है कि ये लद्दाख रीजन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा सके, नॉन स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी बिना किसी पावर कट के प्रोवाइड करा सके, तो इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो गाइस पावर ग्रिड के थ्रू क्या किया जा रहा है कि इंडिया में कनेक्ट किए जा रहे हैं हर एक लोकेशन को आपस में, जिसके थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी यहां पर गुजरात में जनरेट हो रही होगी तो यहां से इलेक्ट्रिसिटी को दोस्तों कहीं पर भी पहुंचाया जा सकता है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया की डिमांड जो है उसको सेटिस्फाई किया जा सकता है। तो सिंपल तरीके से समझो कि इलेक्ट्रिसिटी गुजरात में जो जनरेट हो रही होगी, तो इस इलेक्ट्रिसिटी का बेनिफिट जो है वो इस यहां पर भी लद्दाख पर भी मिल पाएगा इनके कनेक्ट होने के कारण। तो ये एक हम लोग को नेटवर्क देखने को मिलता है, तो ये हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क है। जैसे एक खंबे से दूसरे खंबे की तरफ जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट होती है, आप लोग को पता है, जिसके माध्यम से हम लोग को हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो वैसे ही एक बहुत बड़ा नेटवर्क हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क है, जिसके थ्रू आपस में पावर स्टेशन जो होते हैं उनको कनेक्ट कर दिया जाता है एक दूसरों के साथ, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कहीं पर भी जनरेट हो रही हो इंडिया में, वो किसी भी एरिया के डिमांड्स को सेटिस्फाई कर सकती है। तो इसका ये मेजर ऑब्जेक्टिव है। आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फ्रेंड्स इंडिया की बात करें तो फ्रेंड्स इंडिया का जो ये नेशनल ग्रिड जो है, जिसके थ्रू पूरे नेशन भर को कनेक्ट करने की बात अभी की जा रही है, जो 220 किलो वोल्ट की जो लाइन अभी हम लोगों ने देखी प्रीवियस स्लाइड में, तो ये हम लोग को देखने को मिलता है कि जो नेशनल ग्रिड जो है दोस्तों, ये पूरी दुनिया भर का लार्जेस्ट ऑपरेशनल सिंक्रोनस ग्रिड है। और ना ही सिर्फ दोस्तों हम लोग इंडिया में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, बल्कि इंटरनेशनली भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। भूटान से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को इंपोर्ट करते हैं, और नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार कंट्री में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को एक्सपोर्ट करते हैं। तो सोचिए कि नेशनल ग्रिड जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये वाली चीज आप लोग को ध्यान में रखनी है। 307.8 जीगावाट का जो इंस्टॉल पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो हमारी नेशनल ग्रिड की देखने को मिलती है। एक चीज ध्यान में रखिएगा गाइस, यूनियन टेरिटरीज अंडमान और निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो गाइस यहां पर नेशनल ग्रिड जो है वो कनेक्टेड नहीं है। तो ये वाली चीज आप लोग को बस याद रखनी है थोड़ी सी, कि कहां पर कनेक्टेड नहीं है। बाकी हम लोग ने आज बात कर ली कि लद्दाख जो है वहां पर अभी नेशनल ग्रिड को जो है वो कनेक्ट कर दिया गया है, इसके थ्रू पावर कट्स के चांसेस जो होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी में स्टेबिलिटी हम लोग को देखने को मिलती है। तो दिस इज द कंप्लीट टॉपिक गाइस अबाउट नेशनल ग्रिड। आई होप कि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। दोस्तों इस न्यूज़ की बात करें तो नो माय इंडिया प्रोग्राम के अंडर नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हारमोनी और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के द्वारा एक स्पेशल वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया गया है। गाइज ये जो स्पेशल वर्कशॉप है ये 42 नौजवानों के लिए है, 42 यूथ के लिए है हमारी कंट्री के, जिनकी उम्र 15 से लेकर 22 साल की है। और ये जो 15 से 22 साल तक के जो बच्चे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी पूर्व लाइफ में, पास्ट लाइफ में कम्युनल वायलेंस को फेस किया है, और ये कम्युनल वायलेंस के विक्टिम रह चुके हैं 15 से लेकर 22 साल की उम्र के बच्चे। गाइज ये बच्चे जो हैं वो 6 स्टेट से हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, असम, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, और इनके साथ 10 ऑफिशियल मेंटर्स को भी यहां पर बुलाया गया है इस वर्कशॉप में। तो गाइज यहां पर समझने वाली बात हम लोग को यह है कि ये जो 42 यूथ हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, यानी कि जो 15 से लेकर 22 साल की उम्र के जो बच्चे जिन्होंने कम्युनल वायलेंस को फेस किया है, तो गाइज ये जो 15 से 22 साल की उम्र होती है, इस उम्र में तो लोग अपने करियर को भी नहीं डिसाइड कर पाते कि उनको क्या बनना है, क्या करना है लाइफ में। सीखने वाली ये उम्र होती है, इस उम्र में इंसान मैच्योर नहीं होता है, डिसीजन नहीं ले पाता है। इस इमैच्योर स्टेट ऑफ सिनेरियो में अगर किसी बच्चे ने कम्युनल वायलेंस को फेस किया, कम्युनल वायलेंस जैसे कि दंगे,
हम लोग को देखने को मिलता है। अगर इस प्रकार की चीज़ें अगर उस बच्चे ने फेस करी होगी तो वो लाइफ लॉन्ग उसकी लाइफ में वो एज अ ट्रॉमा बन जाता है। और इसको समझाता हूँ, जैसे अगर किसी 15 से 22 साल की उम्र के बच्चे का अगर किडनैप हो गया, किडनैपिंग हो गई किसी बच्चे की, तो फ्रेंड्स किडनैपिंग के बाद जब वो बच्चा अपने घर पे वापस आएगा तो फ्रेंड्स वो बाहर जाने से डरेगा या डरेगी, उसको बाहर जाने में डर लगेगा, अकेले रहने में डर लगेगा कि कहीं उसको कोई किडनैप ना कर ले दोबारा से। तो ये जो स्थिति होती है, जो स्टेट होता है माइंड का गाइस, ये होता है ट्रॉमा। तो ये वर्कशॉप के जरिए इन जो 42 बच्चे हैं उनके ट्रॉमा को दूर करने की कोशिश की जाएगी। यहां पर इनको डीप रिलैक्सेशन और पीस को एक्सपीरियंस करवाया जाएगा। इनके पास्ट इवेंट्स, इनके साथ जो भी हुआ है उस लाइफ के कारण जो डिस्टर्बिंग इंप्रेशन उनकी लाइफ में बना हुआ है उसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी। उनके इमोशंस को मैनेज किया जाएगा दोस्तों, उनको एक बेहतर लाइफ प्रोवाइड करने की यहां पर इस वर्कशॉप में कोशिश करने की बात की गई है। यहां पर जो 10 ऑफिशियल मेंटर्स जो हैं गाइस, जो एडवाइजर्स ट्रेनर्स जो हैं, जो कि इन बच्चों को जो है गाइस वो बेहतर तरीके से ट्रीट करेंगे और उनको ट्रॉमा अपना कम करने की जो है वो हेल्प करेंगे। गाइज एक चीज दिमाग में अपने याद रख लीजिए कि ट्रॉमा जो होता है, जैसे अगर आपसे कोई पूछे, ये वाला क्वेश्चन जो है वो एक बार इंटरव्यू में पूछा भी गया था आईएएस के इंटरव्यू में यूपीएससी के, तो बोला गया था कि जो ट्रॉमा जो है वो उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। तो गाइज एक चीज क्लियर है, कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में अपने ट्रॉमा को खत्म नहीं कर सकता, एलिमिनेट नहीं कर सकता, बट हाँ उसको कम कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, एलिमिनेट कभी किसी का नहीं होगा। जैसे सपोज करो जो हमने किडनैपिंग का केस लिया, अगर किसी इंसान की लाइफ में उसके साथ किडनैपिंग हुई होगी तो क्या वो अपनी किडनैपिंग को भूल जाएगा, वो नॉर्मल जिंदगी जिएगा? कभी नहीं। अगर आज अभी जैसे बच्चा 16 साल की उम्र में उसकी किडनैपिंग हुई, जब वो 45 साल की उम्र में भी होगा ना, तब अगर वो उस सेम सिचुएशन को दोबारा से फील करेगा या एकदम से वो सेम सिचुएशन उसके सामने आ जाएगी तो कहीं ना कहीं उसको अपना पुराना जो पीरियड है वो याद आ जाएगा, बिकॉज ब्रेन में ये वाली चीज़ जो होती है गाइज वो बहुत बुरी तरह से स्टोर हो चुकी होती है, जिस फियर को इंसान आसानी से नहीं भूल पाता, तो इसी चीज़ को हम लोग ट्रॉमा बोलते हैं। तो ये वाली चीज़ भी आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो दिस इज द गाइस पर्टिकुलर न्यूज़। अब बात करते हैं नो माई इंडिया प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों ये एक यूनिक प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिलता है जिसको शुरू किया गया था नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हारमोनी के द्वारा, जिसके थ्रू जो फाइनेंशियली असिस्टेड चिल्ड्रन होते हैं गाइस, जिनके पेरेंट्स वगैरह नहीं होते, या फिर जो बच्चों के पेरेंट्स जो है वो उन बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, तो ऐसे बच्चों को दोस्तों एक साथ लाया जाता है डिफरेंट स्टेट्स और रीजन से हमारी कंट्री के, और वननेस फ्रेटर्निटी और नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट किया जाता है। इन बच्चे को वो सभी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि जो दूसरे बच्चे जो है जिस प्रकार की फैसिलिटीज़ जो हमारी कंट्री में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, साथ ही साथ इस प्रोग्राम के थ्रू उन बच्चों को फैमिलराइज किया जाता है एनवायरनमेंट के साथ, फैमिली लाइफ के साथ, सोशल कस्टम्स वगैरह के साथ। और फ्रेंड्स जो हमारे कॉमन हिस्टोरिकल और कल्चरल हेरिटेज है हमारी कंट्री का, उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए भी नो माई इंडिया प्रोग्राम जो है गाइस वो काम करता है। तो ये प्रोग्राम जैसे मैंने आपको बताया कि नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हारमोनी के द्वारा शुरू किया गया था, तो गाइस ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को देखने को मिलती है NFCH, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। तो फ्रेंड्स इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो जितने भी जो चिल्ड्रन हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएं, यूथ रेंडर्ड ऑर्फन जो होते हैं, जो अनाथ बच्चे वगैरह होते हैं, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, कम्युनल कास्ट एथनिक और टेररिस्ट वायलेंस में जो बच्चे जो विक्टिम बन जाते हैं तो उनको रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड किया जाए, उनको बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, उनका ट्रॉमा दूर किया जाए। तो इस प्रकार के ये अलग अलग टाइप के एक्टिविटीज़ जो है वो कंडक्ट कराती रहती हैं, जिसके थ्रू बच्चों को जो है वो बेनिफिट मिल सके। ये जो एज होती है 15 से लेकर 22 साल की जो मैंने आपको बताया, इस एज में मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होते हैं गाइस जब वो विक्टिमाइज हो जाते हैं तो उसके बाद उस ट्रॉमा को उनकी लाइफ से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये फोकस करती है कि उनके ट्रॉमास को मिनिमाइज करे। नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हारमोनी, नाम से ही हम लोग को समझ में आ रहा है, तो ट्रॉमा को मिनिमाइज करें और वो बच्चे आने वाली जिंदगी अपनी बेहतर जी सकें, इस पर मेजर फोकस किया जाता है। तो ये वाली चीज़ आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। दोस्तों इस न्यूज़ में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि न्यू दिल्ली में भारत रंग महोत्सव का 28th एडिशन हुआ था,
जिसको ऑर्गेनाइज किया था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा। तो गाइस भारत रंग जो है उसको एनएसडी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसकी डिटेल में बात करें तो ये एक एनुअल इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल है जो कि 20 साल पहले इस्टैब्लिश किया गया था, यानी कि 2009 में इस फेस्टिवल को इस्टैब्लिश किया गया था BRM को, इसलिए इसका 20th एडिशन हम लोग को आज की डेट में 2019 में देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर फेस्टिवल के थ्रू जो थिएटर्स हैं इंडिया के अंदर उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है। बट ना ही सिर्फ इंडिया गाइस, इस फेस्टिवल की अगर बात करें तो आज की डेट में इंटरनेशनली भी इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो चुकी है। ये एशिया का लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल जो है वो बन चुका है। तो ये वाली चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस प्रीलिम्स के लिए कि एशिया का लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल जो है वो भारत रंग महोत्सव है 2009 में जिसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। तो दिस इज द कंप्लीट टॉपिक गाइस भारत रंग महोत्सव के बारे में, ये वाली चीज थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। दोस्तों इस न्यूज की बात करें तो केरला इंडिया की पहली ऐसी स्टेट बन गई है जिसने प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसर्च यूनिट को सेटअप किया है। गाइस ये जो प्राइस मॉनिटरिंग एंड सेटअप यूनिट हम लोग को देखने को मिल रही है ये एज अ ड्रग प्राइस मॉनिटरिंग अथॉरिटी जो है वो काम करेगी। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि ये जितने भी एसेंशियल ड्रग्स और मेडिकल डिवाइसेस हैं इनके प्राइस को ये मॉनिटर करेगी और ये इंश्योर करेगी कि कहीं इनके प्राइसेस को कोई वायलेट तो नहीं कर रहा है। ये चेक करेगी कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी रिटेलर्स वगैरह हैं वो कहीं एसेंशियल ड्रग्स और मेडिकल डिवाइसेस जो होते हैं उनके प्राइसेस को ऑल्टर करके कहीं कोई एक्स्ट्रा इनकम तो नहीं अर्न कर रहा है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर इस पर्टिकुलर अथॉरिटी के द्वारा चेक की जाएगी, मॉनिटर की जाएगी। और फ्रेंड्स ये जो PMRU जो है प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसर्च यूनिट, ये ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अंडर हम लोग को देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के द्वारा 5 साल पहले ही ऐसे सिस्टम के बारे में प्रपोजल दिए गए थे कि इस प्रकार के सिस्टम को सेटअप करना ज़रूरी है और केरला ने इस सिस्टम को सेटअप कर दिया है जिसका नाम है प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसर्च यूनिट। गाइस यहाँ पर जो स्टेट हेल्थ सेक्रेटरी जो है वो इसके चेयरमैन रहेंगे और ड्रग कंट्रोलर जो है गाइस वो इसके मेंबर सेक्रेटरी हम लोग को देखने को मिलेंगे। इसके मेंबर्स की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव और फ्रेंड्स इसके साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग को एक एग्जीक्यूटिव कमेटी भी देखने को मिलेगी जिसको हेड करेंगे ड्रग्स कंट्रोलर। तो ये इसके कंपोजिशन है गाइस जिसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स इसके फंक्शंस के बारे में तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये मॉनिटर करेगी मेडिसिन की प्राइसेस वगैरह को, डिटेक्ट करेगी कि कहीं कोई वॉयलेट तो नहीं कर रहा है DPCO के प्रोविजंस वगैरह को, प्राइस कंपाइलेंस को देखेगी, सैंपल्स वगैरह जो होते हैं गाइस उसके जो मेडिसिंस के जो मेडिसिंस वगैरह जो होती हैं उनके सैंपल्स वगैरह को ये कलेक्ट करेगी और उसके हिसाब से उसके प्राइस के बारे में भी जो है डेटा को एनालिसिस करने के बाद ये चेक करेगी कि कहीं वो उसके प्राइस को वॉलेट तो नहीं कर रहा है, कि कहीं हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको कहीं महंगी मेडिसिन तो नहीं परचेज करनी पड़ रही है। तो ये ओवरऑल जो प्राइस मॉनिटरिंग का काम जो है वो इस बॉडी का हम लोग को देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स इसकी आवश्यकता तो इसलिए आज की डेट में भारी मात्रा में है क्योंकि गाइस हम लोग देख रहे हैं कि कई सारे जो कंपनीज़ वगैरह हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह हैं, वो इल्लीगल तरीके से जो मेडिसिन की प्राइसेस वगैरह जो है उसको बढ़ाकर बेचती हैं जिसके कारण से हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको महंगी मेडिसिन परचेज करनी पड़ती है और साथ ही साथ ऐसी जो फार्मा कंपनीज होती हैं ये भारी मात्रा में जो है वो प्रॉफिट अर्न करती हैं। तो इसके लिए आज की डेट में सख्त आवश्यकता है इस प्रकार की बॉडी की। आई होप कि आपको पूरी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों इस न्यूज़ की बात करें तो अगर क्वेश्चन आता है कि ऑपरेशन स्माइल जो है वो किसके द्वारा लिया गया इनिशिएटिव है, तो गाइज ये हैदरा पुलिस के द्वारा लिया गया एक इनिशिएटिव है ऑपरेशन स्माइल 5 गाइज, जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी जो मिसिंग चिल्ड्रंस हैं उनको रेस्क्यू किया जाए और उनको रिहैबिलिटेट किया जाए। 1st of January 2019 से तेलंगाना में इस इनिशिएटिव को जो है लॉन्च किया गया था ऑपरेशन स्माइल 5, जिसके थ्रू बताया ये जा रहा है कि अभी तक जनवरी 1st से लेकर अभी तक करीब 325 चिल्ड्रंस को रेस्क्यू किया गया है हैदरा पुलिस के द्वारा। तो ये वाली चीज़ हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली। फ्रेंड्स यहाँ पर जो बच्चे जिनको रेस्क्यू किया गया था, जो मिसिंग बच्चे थे, वो या तो लेबरर्स की तरह काम कर रहे थे या फिर सड़कों में जो है वो बैगिंग कर रहे थे। तो ये बच्चे हम लोग को यहाँ पर देखने को मिले जिनको रेस्क्यू किया गया और उनको अब रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये वाली चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ऑपरेशन स्माइल जो है वो तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसको हैदरा पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया था।
और इसको ऑपरेशन मुस्कान भी बोला जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिलता है। दोस्तों इस न्यूज़ की बात करें तो नीलावेम्बू कुदिनीर जो है वो क्या है तो ये आपको पता होना ज़रूरी है। तो गाइज ये एक सिद्धा मेडिसिन है जो कि चिकनगुनिया वायरस के अगेंस्ट यूज़ की जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है दोस्तों उन लोगों के लिए भी जिनको डेंगू है या फिर डेंगू का इन्फेक्शन है। तो फ्रेंड्स ये न्यूज़ में हम लोग को इसलिए देखने को मिली कि तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा ये सिद्धा मेडिसिन जो है गाइस जिसका नाम नीलावेम्बू कुदिनीर है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उन लोगों को जिनको डेंगू हुआ है। तो ये वाली चीज़ आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। नीलावेम्बू कुदिनीर प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। दोस्तों इस न्यूज़ की बात करें तो हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ड्वार्फ गैलेक्सी को डिस्कवर किया है। गाइज ये ड्वार्फ गैलेक्सी जो है वो ग्लोबुलर क्लस्टर पर हम लोग को देखने को मिली और ये हमसे मात्र 30 मिलियन लाइट ईयर्स अवे की दूरी पर है। फ्रेंड्स हमारी जो गैलेक्सी है वो है मिल्की वे गैलेक्सी। वैसे ही एक दूर मात्र 30 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर एक नई गैलेक्सी डिस्कवर हुई है ड्वार्फ गैलेक्सी जिसका निकनेम रखा है बेडन वन। तो बेडन वन निकनेम याद रखिएगा प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। बेडन वन जो नाम रखा है दोस्तों ये एल आर बेडिन के नाम पे रखा है क्योंकि एल आर बेडिन जो है वो इस डिस्कवरी टीम के लीडर हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर गैलेक्सी को डिस्कवर किया है। ये गैलेक्सी 30 बिलियन लाइट ईयर्स अवे की दूरी पर है और 30,000 लाइट ईयर्स वाइड देखने को मिल रही है। तो ये वाली चीज़ आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। इटली के ये पर्टिकुलर एस्ट्रोनॉमर्स थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया है दोस्तों ये वाली चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बात करें हबल स्पेस टेलीस्कोप की तो 1990 में हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है उसको नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसको दोस्तों नासा के द्वारा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा बनाया गया है। तो ये वाली चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा ये स्पेस की एक लार्ज टेलीस्कोप हम लोग को देखने को मिलती है और ये इकलौता ऐसा टेलीस्कोप है दोस्तों जिसको एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा स्पेस में यूज़ किया जाता है। इसमें हम लोग को कैमरास देखने को मिलते हैं जिसके थ्रू ये टेलीस्कोप की मदद से दूर दराज के जो जैसे कि प्लैनेट्स हो गए या फिर गैलेक्सी हो गई या इस प्रकार के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्पेस में उनको कैप्चर किया जाता है। और फ्रेंड्स इसमें एक ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम हम लोग को देखने को मिलता है जो कि इंफ्रारेड से लेकर अल्ट्रा वायलेट रेज तक को भी कैप्चर कर लेता है। तो ये वाली चीज़ हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। दोस्तों इस न्यूज़ की बात करें तो केरला स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है गाइस वो फोकस कर रही है कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स में न्यूट्रिएंट रिच मिलेट्स जो है उनको कल्टीवेट किया जाए। आज की डेट में फोकस किया जा रहा है कि लोग बाग जो है वो जो भी फूड ईट करें या जो भी फूड कंज्यूम करें वो फूड होना चाहिए न्यूट्रिएंट रिच जिससे कि उनकी हेल्थ में बेटरमेंट हम लोग को देखने को मिले। लोग बाग खाना तो खाते हैं बट गाइस अगर खाने की किसी को नॉलेज नहीं होगी तो उनकी बॉडी पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कुपोषण के बारे में माल न्यूट्रिशन के बारे में जिसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि इंसान खाना तो खाता है बट वो जो खाना होता है वो उसकी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होता क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते प्रॉपर अमाउंट में प्रॉपर क्वांटिटी में। हमारी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। तो गवर्नमेंट आज की डेट में फोकस कर रही है कि न्यूट्रिएंट रिच इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको प्रमोट किया जाए और लोगों तक नॉलेज पहुँचाई जाए। तो इसलिए केरला स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है गाइस वो न्यूट्रिएंट रिच मिलेट्स को ग्रो करने की बात कर रही है एक्सपेंड करने की बात कर रही है। प्लानिंग चल रही है कि ये अपने केरला के मिलेट विलेज स्कीम को सभी डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सपेंड कर दें। तो ये वाला यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। तो इसी में जो मिलेट विलेज स्कीम के बारे में बात की जा रही है इसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। तो गाइज ये एक स्पेशल स्कीम है केरला स्टेट गवर्नमेंट की जिसके थ्रू मिलेट रागी बाजरा और मेज जैसे जो सीरियल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं उनके कल्टीवेशन को प्रमोट किया जाता है। इसके तौर पर इन्होंने एक मिलेट विलेज जो है उसको सेटअप किया था एडपैडी में। इस प्रोजेक्ट का एम होता है कि ये जो ट्रेडिशनल वैरायटीज़ हैं मिलेट्स की उनको प्रोटेक्ट करे और ट्राइबल्स को फूड सिक्योरिटी और लाइवलीहुड जो है वो इंश्योर करे। तो ये वाली चीज़ आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। एंड गाइज मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मिलेट्स क्या होता है इसका आंसर अभी के अभी वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए और साथ ही साथ मिलेट्स के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। दोस्तों इस न्यूज़ की बात करें
तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है वो 2019 का सेलिब्रेट किया गया है फरवरी 2 को, और हर साल फरवरी 2 को वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंड्स, फरवरी 2 को एक कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स को अडॉप्ट किया गया था 1971 के दौरान ईरानियन सिटी ऑफ रामसार में, जिसको हम लोग रामसार कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, जिसके बारे में पहले भी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है रामसार कन्वेंशन के बारे में। तो गाइज, मेरा आपसे क्वेश्चन है अगेन एक और कि रामसार कन्वेंशन जो है उसके बारे में डिटेल में आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना है। अगर नहीं पता तो एक बार सर्च कीजिए इस कन्वेंशन के बारे में और ज़रूर बताइए, बिकॉज पहले एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स, ये जो कन्वेंशन ऑन वेटलैंड है जिसको रामसर कन्वेंशन भी बोला जाता है, इंडिया ने इस कन्वेंशन को दोस्तों साइन किया था 1982 में, और उसके बाद से इंडिया जो है वो इस कन्वेंशन की पार्टी है। और इस साल की अगर थीम के बारे में बात करें, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2019 की थीम के बारे में, तो इसकी थीम है वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये वाली चीज़ भी आप लोग को ध्यान में रखना है। दोस्तों, करंट अफेयर्स आज के लिए इतने ही। अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले तो उन 5 क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताऊंगा जो मैंने आपसे कल पूछे थे। तो गाइस, कल पूछा गया था कि काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल जो है वो कौन सी पर्टिकुलर सिटी में स्टार्ट हुआ है। तो गाइस, ये महाराष्ट्र की मुंबई सिटी में हम लोग को देखने को मिला है काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल 2019। राइट्स फ्रेंड्स, पोर्सीन रिप्रोडक्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम PRRS, तो गाइस ये न्यूज़ में हम लोग को रिसेंटली देखने को मिला था। तो गाइस, ये सिंड्रोम जो है वो पिक का हम लोग को देखने को मिलता है, तो ये वाली चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। 2019 वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की थीम क्या है, तो इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने डिस्कस किया, वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज इसकी थीम है। इस न्यूज की बात करें तो फ्यूचर ऑफ रेल नाम की एक रिपोर्ट के बारे में हम लोग ने डिटेल में डिस्कस किया था। तो गाइज, इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया गया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा। फ्रेंड्स, पूछा गया था 12th एडिशन एरो इंडिया 2019 की थीम क्या है, तो गाइज इसकी थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। गाइज, अब मैं आपसे 5 क्वेश्चंस पूछूंगा जिसके आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताने हैं। तो के वीरा मानी अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2018 के रेसिपिएंट का नाम आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेट है जिसने रिसेंटली इंडस रिवर डॉल्फिन को एज स्टेट एक्यूटिक एनिमल जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। तो कौन सी स्टेट की स्टेट एक्यूटिक एनिमल जो है वो इंडस रिवर डॉल्फिन है, तो ये वाली चीज आप लोग को बताना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने पशुपु कुमकुमा स्कीम जो है उसका सेकेंड फेज लॉन्च किया है, पशुपु कुमकुमा स्कीम का सेकेंड फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2019 वर्ल्ड कैंसर डे की थीम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर जो है गाइस, बोला जा रहा है कि उसको किस पर्टिकुलर स्टेट में सेटअप किया जा रहा है। तो गाइस बताइए, वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर कौन से स्टेट में हम लोग को देखने को मिलेगा। तो दीज आर द 5 क्वेश्चंस गाइस, जिसके आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पर आपको लिख के बताने हैं, और आप हमारे फ्री टेलीग्राम के स्टडी ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये इसकी लिंक यहाँ पर मौजूद है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। हमारे फ्री स्टडी ग्रुप्स में हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं, और आपको फ्री की वीडियोस अपडेट्स भी वहीं पर ही मिलती है। एंड फ्रेंड्स, जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं इसकी अगर आपको PDF चाहिए, तो इसकी PDF भी हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में प्रोवाइड कराते हैं, बट वो सिर्फ हमारे पेड ग्रुप मेंबर्स के लिए ही अवेलेबल है। पेड ग्रुप से रिलेटेड जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए नंबर पर आप WhatsApp या फिर टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।